सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर एक्सप्लेन्ड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको योशिमित्सु की हिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगा। तो योशिमित्सु का फाइटिंग स्टाइल है मानजी स्टाइल, निंजित्सु एंड केंजित्सु, और उसकी नेशनलिटी है जैपनीज़। और इसी के साथ उसकी हाइट है 5 फुट 10 इंच। तो योशिमित्सु मानजी क्लैन का लीडर है जो कि गरीबों की मदद करते हैं। दरअसल योशिमित्सु एक नाम नहीं है बल्कि एक टाइटल है जो कि मानजी क्लैन के लीडर को दिया जाता है। इसके अलावा मानजी क्लैन का एक शॉकिंग रिचुअल भी है कि जब भी कोई न्यू योशिमित्सु बनता है तो पुरानी योशिमित्सु को अपनी लाइफ अपनी खुद की तलवार से लेनी पड़ती है। बेसिकली पुरानी योशिमित्सु को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी होती है। इस तरीके से ही वो जनरेशन टू जनरेशन योशिमित्सु का टाइटल और अपनी तलवार पास करते हैं। उनकी तलवार में ये खासियत होती है कि उनकी तलवार दूसरों की पावर एंड एबिलिटीज़ को ऑब्जॉर्व कर सकती है, इसलिए करंट जनरेशन का योशिमित्सु हमेशा प्रीवियस जनरेशन के योशिमित्सु से ताकतवर होगा। तो हमारा योशिमित्सु सबसे पहले दिखता है टेकन वन में। वो टेकन वन में इसलिए पार्टिसिपेट करता है ताकि वो टूर्नामेंट में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सके और उसका मानजी क्लैन टूर्नामेंट के फंड्स को चोरी कर सके। टूर्नामेंट के दौरान योशिमित्सु को गनरियू नाम का एक सुमो रेसलर मिलता है जिसका बिहेवियर काफ़ी ख़राब था, और वो चीटिंग करके योकोजुना का टाइटल अचीव कर लेता है। योशिमित्सु ये देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो गनरियू से फाइट करके उसको हराकर उसके पैसे चुराकर गरीबों में बांट देता है। इसके बाद योशिमित्सु डॉक्टर बॉस्कोनोविच की लैब में रेड मारता है ताकि उसकी लैब से वो एनर्जी डिवाइस चुरा सके, लेकिन रेड के दौरान योशिमित्सु अपना हाथ खो बैठता है और वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर बॉस्कोनोविच योशिमित्सु की हेल्प करते हैं और उसके हाथ की जगह वो एक दूसरा मैकेनिकल आर्म लगा देते हैं, और इसी के साथ डॉक्टर बॉस्कोनोविच एंड योशिमित्सु दोस्त बन जाते हैं। टेकन टू के दौरान डॉक्टर बॉस्कोनोविच को मिशिमा जाबात्सु किडनैप कर लेता है, और इस टाइम पर मिशिमा जाबात्सु का ओनर होता है काजुए मिशिमा। तो इस टूर्नामेंट में योशिमित्सु भी हिस्सा लेता है ताकि वो डॉक्टर बॉस्कोनोविच को मिशिमा जाबात्सु से छुड़ा सके, और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहता है। इसके बाद टेकन 3 के इवेंट्स के दौरान डॉक्टर बॉस्कोनोविच बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया करते थे जिससे उनकी बॉडी इन्फेक्ट हो गई और वो एक मिस्टीरियस बीमारी का शिकार हो गए। और अब अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर बॉस्कोनोविच को ओगर का ब्लड चाहिए था, और इसलिए योशिमित्सु टेकन 3 में पार्टिसिपेट करता है ताकि वो ओगर का ब्लड कलेक्ट कर सके और डॉक्टर बॉस्कोनोविच की मदद कर सके। इस टूर्नामेंट के दौरान योशिमित्सु को ब्रायन फ्यूरी मिलता है जो कि एक साइबॉर्ग है जिसको डॉक्टर एबल ने क्रिएट किया है, और डॉक्टर एबल एंड डॉक्टर बॉस्कोनोविच एक दूसरे के दुश्मन हैं। ब्रायन को योशिमित्सु को मारने का और डॉक्टर बॉस्कोनोविच को किडनैप करने का मिशन मिला था, लेकिन योशिमित्सु ब्रायन फ्यूरी को हरा देता है, और इसी के साथ ही डॉक्टर बॉस्कोनोविच भी अपनी बीमारी से ठीक हो जाते हैं। टेकन 4 के दौरान योशिमित्सु सोचता है कि वो दुनिया भर के रेफ्यूजीज़ की मदद करेगा, लेकिन उसके पास इतना पैसा एंड मैन पावर नहीं होती कि वो ऐसा कर सके, इसलिए वो द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 4 या कहीं टेकन 4 में पार्टिसिपेट करता है ताकि वो मिशिमा जाबात्सु से अलायंस क्रिएट कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। लेकिन योशिमित्सु मिशिमा जाबात्सु के मैंसन से पैसे चुराने में कामयाब रहता है, और इसी बीच उसे वहाँ ब्रायन फ्यूरी बेहोश हालत में मिलता है, जिसके बाद वो ब्रायन फ्यूरी को डॉक्टर बॉस्कोनोविच के पास लेकर जाता है ताकि डॉक्टर बॉस्कोनोविच उसकी ज़िंदगी बचा सके। इसके बाद डॉक्टर बॉस्कोनोविच ब्रायन फ्यूरी को इंजेक्शन देते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारे दिमाग को दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे, तुम एक साल तक बेहोश रहोगे, लेकिन जब तुम उठोगे तब तुम्हें लगेगा कि जैसे कि एक पल ही गुजरा हो। लेकिन ब्रायन टाइम से पहले उठ जाता है। बाद जब ब्रायन फ्यूरी उठता है तो डॉक्टर बॉस्कोनोविच पर अटैक कर देता है और साथ में मानजी क्लैन के कुछ मेंबर्स को मार डालता है। इसके बाद जब योशिमित्सु को पता चलता है कि ब्रायन फ्यूरी टेकन 5 में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो योशिमित्सु भी टेकन 5 में पार्टिसिपेट करता है ताकि वो ब्रायन फ्यूरी को मारकर उससे बदला ले सके। इसी बीच योशिमित्सु को लगता है कि उसकी तलवार कमज़ोर पड़ रही है। जिस ब्लेड को वो यूज़ करता है वो श्रापित है। यह वही तलवार है जो मानजी क्लैन जनरेशन टू जनरेशन पास करता है। उसकी ब्लेड बुरे लोगों के खून की प्यासी थी, और अगर उसे बुरे लोगों का खून नहीं मिलेगा तो वो अपने ओनर को ही पागल बना देगी। इसलिए टेकन 6 के इवेंट्स के दौरान योशिमित्सु एक दूसरी तलवार यूज़ करता है जिसके अंदर उसके श्रापित तलवार की नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी है। इसके बाद टेकन 7 के दौरान जब मिशिमा जाबात्सु फिर से हियाची मिशिमा के कंट्रोल के अंदर आ जाता है, तो योशिमित्सु को लगता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए वो 7th किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। योशिमित्सु मिशिमा डोजो में जाता है ताकि वो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, और वहाँ उसका सामना लियो से होता है, और इसके बाद की स्टोरी हमें टेकन 8 में पता चलेगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। Oh,